नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा में बनी नई बिल्डिंग का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला। उनके साथ एडी रीवा पंकज श्रीवास्तव, लॉ कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य योगेंद्र तिवारी सहित प्राध्यापक, कार्यकारी एवं छात्र आदि उपस्थित रहे। इस दौरान राजेंद्र शुक्ला द्वारा बिल्डिंग के बचे हुए कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश के साथ और भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इसके साथ ही गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की मान्यता के नवीनीकरण को लेकर एडी रीवा एवं प्रभारी प्राचार्य योगेंद्र तिवारी से चर्चा की गई, जिसका मूल कारण बार काउंसिल ऑफ इंडिया की धारा 16 के कोरम का पूरा ना होना पाया गया, जिसमें मुख्य कारण लॉ कॉलेज का प्राचार्य लॉ का ही प्रोफेसर होना पाया गया है, जो वर्तमान समय में पदस्थ प्राचार्य के सिंह दुबे लॉ सब्जेक्ट से नहीं है। साथ ही साथ दैनिक भोगी कर्मचारियों के द्वारा 3 साल से वेतनमान के ना मिलने पर आपत्ति जताई गई है और मांग की गई है कि जल्द से जल्द समय वेतनमान दिया जाए। रीवा से हमारे रिपोर्टर अजय मिश्रा की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। उसके लिए जो आवश्यक प्रस्ताव है और जो प्रक्रिया है वो पूरी करने के लिए यहाँ पर बताया गया है, और एक महाविद्यालय की तरक्की के लिए जो जरूरी है, सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं शानदार इसकी मौत बहुत पुरानी है। तो कुल मिला के लॉ का एक अच्छा इंस्टीट्यूट रीवा में समुचे मिलने के लिए ये तैयार हो जाएगा। यहाँ से कुछ बीमारियाँ तो वो कैसे पूरी हुई हैं? जैसे पहले भवन को पूरी किया, उसके आगे जो भी मांगे आएंगे उसको पूरी करेंगे के रूप में हुआ था। आप लोग कुछ मांग पत्र लेकर विधायक जी से मांग किए हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग अपनी मानदेय संबंधित मांग किए हैं। विगत 3 वर्षों से हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया, जिसे कॉलेज में हम लोग 12 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं, और एक श्रमिक का भी रेट हम लोगों को नहीं दिया जाए। झाड़ू पूछा करने वाला जो है उसके 5,000 मिलते हैं। क्या आश्वासन दिया गया है विधायक जी के द्वारा? विधायक जी ने कहा है कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम जरूर बढ़ाएंगे, बहुत कम मानदेय है आप लोगों का, क्योंकि कंप्यूटर से सारा काम हो रहा है, वर्कलोड भी ज्यादा है। अरे, आप लोगों का मानदेय कब से नहीं बढ़ा? 3 साल से नहीं बढ़ा। विधायक को ज्ञापन भी दिया था, इसके पहले भी ज्ञापन दिया गया था। हम लोग चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष दर हम लोगों के लिए निर्धारित कुशल अकुशल जो रहता है कैटेगरी बन जाए, क्योंकि जो स्वीकर पा रहा वही हम लोग दे पा रहे। निकट संबंध में छात्रों के द्वारा कई बार एडी ऑफिस में आपके कार्यकाल में ज्ञापन दिया गया है, उसके संबंध में क्या कार्रवाई है और क्या करना चाहते हैं? देखिए, मान्यता के संबंध में जो ज्ञापन दिया गया है उसमें ये कहा गया था कि ना के प्राचार्य इस संबंध में पहले जो आदेश था वो ये था कि जो भी अगर प्राचार्य बदलना है तो आयुक्त उच्च शिक्षा के आदेश से ही बदला जाए, और इस संबंध में वहाँ से सभी चीज़ें हड़बड़ की गई थी भोपाल कार्रवाई के लिए, लेकिन वहाँ से कोई आया नहीं, बस तो कोई जवाब दिया आया हमारे पास, इसलिए नहीं बदला गया। लेकिन अभी किसी ने दिखाया है, आदेश नया आया है कि एडी स्तर पर यह काम हो सकता है। अगर ऐसा आदेश होगा और हम उसका अध्ययन करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो इस समस्या को सॉल्व कर दिया। वर्तमान समय में जो छात्र यहाँ अध्ययनरत हैं, तो अगर कॉलेज की मान्यता के संबंध में जो समस्याएं हैं तो उनके भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई समस्याएं आएंगी अगर उन्हें कहीं नौकरी के लिए या कि वकालत पेशे में जाना होगा? खत्म हो जाएगी तब तो समस्याएं आएंगी ही उनके पास, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि मान्यता न खत्म हो जाए। तो जो प्रोसीजर हमारे पास आएगा, अगर हमारे समक्ष आया ये प्रॉब्लम तो उसको सॉल्व किया जाएगा पूरे नियम कानून के अधीन। काम सारे काम हमने कर दिए हैं, आप देख लीजिए। यदि काम इनके सेटिस्फेक्शन का हो गया है, जैसे हमें लग रहा है कि हैंड ओवर के पहले एक बार ऐसे पॉलिश करा देंगे, पॉलिश मशीन चलती है और मशीन के साथ पॉलिश होती है, बाकी तो काम हमको आप चेक कर लो क्या काम हो जाए। यदि पूरा हो गया है तो कंप्लीशन रिपोर्ट दे दीजिए, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो जाए। ये तो क्या बिल्डिंग का उपयोग नहीं करोगे आप? सर, वही टीम पहला पैरा ये लिखा था कि हमें बिल्डिंग हमारे क्लास चलाने लायक सब कुछ है,
अब उसमें जो रिपोर्ट है कितने आपके यहाँ छात्र हमारे यहाँ 1000 करीब है। अच्छा तो फिर भर जाएगा। हाँ भर जाएगा जब से भी शुरू होगा। ठीक है चलते हैं बहुत डिमांड है।